राजधानी रांची में निकली एक बारात खूब चर्चा में है। यह बारात बेटी के ससुराल के लिए विदाई की खातिर नहीं बल्कि ससुराल की प्रताड़ना से मुक्ति के लिए निकली। पिता ने ससुराल में शोषित प्रताड़ित हो रही विवाहिता पुत्री को वापस अपने घर लाने के लिए बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ बारात निकाली। देखिए इस रिपोर्ट में। बैंड बाजा और आतिशबाजी, आलम और माहौल बिल्कुल बारात जैसा। ये बारात ही है, ऐसी अनोखी बारात शायद ही आपने कभी देखी हो। ऐसी बारात जो समाज में एक ऐसी लकीर खींच गई जिसकी नजीर सदियों तक दी जाएगी। ऐसी बारात जिसमें बाराती लड़के वाले नहीं बल्कि लड़की वाले हैं। ये रांची की साक्षी गुप्ता की बारात है। बैंड बाजे और पूरे जश्न के साथ साक्षी की बारात उसे हमेशा हमेशा के लिए मायके ले जाने के लिए पहुंची है। क्या कभी आपने ब्याही बेटी को बैंड बाजे के साथ हमेशा के लिए मायके लाते देखा है? नहीं ना, लेकिन राजधानी रांची में ऐसा हुआ है। आरोप है कि साक्षी के साथ उसके पति सचिन ने धोखा किया। शादी के बाद साक्षी को पता चला कि सचिन पहले से दो शादियां कर चुका है। साक्षी के साथ भी रहने में सचिन आनाकानी करने लगा। साक्षी की जिंदगी तबाह होने लगी और मामला अदालत जा पहुंचा। साक्षी और सचिन ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद साक्षी के पिता ने जो किया वो समाज के लिए नजीर बन गया। थे लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा होता है, या लड़कियां भी ऐसी होती हैं, मैं खुद भी ऐसी थी, अपने फैमिली को अपनी तकलीफ नहीं बताते हैं। और होता क्या है, लड़कियां एक टाइम पे डिप्रेशन में आ जाती हैं और लड़कियां परेशानी के वजह से सुसाइड कर लेती हैं। फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ, मेरे फैमिली ने मुझे लेके आया गया है, लेके आए हैं इस तरीके से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है जो कि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। साक्षी के पिता ने समाज को नई राह दिखाई है। ससुराल से बैंड बाजी के साथ पत्नी तलाकशुदा बेटी को लाना यह किसी अजूबे से कम नहीं है। साक्षी के पिता अपनी बेटी के साथ खड़े रहे और साक्षी को खुशी है कि उसका परिवार उसके साथ है। ये बारात और विदाई का आइडिया साक्षी के पापा और दादी का था। समाज में एक डाइवोर्सी का टैग लेके घूमना या चलना एक बोझ की तरह फील होता है, तो ऑफ कोर्स मेरा ऐसे स्वागत किया गया है। और ये आइडिया मेरी दादी और मेरे पापा का था। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मेरी दादी को और अपने पापा को कि उन्होंने मतलब इतना अनोखा, मतलब मुझे ये रिस्पेक्ट दिया है कि मैं समाज में सर उठाकर जी सकती हूँ। साक्षी के पिता ने जो किया उसे करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। अगर समाज हर बाप प्रेम प्रकाश गुप्ता की तरह सोच रखे तो कभी किसी बेटी को घरेलू हिंसा सहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। साक्षी के पिता ने समाज को एक राह तो दिखाई है, राह अपने गुड़िया के साथ खड़े रहने की, राह अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की। रांची से TV45 के लिए धनंजय मंडल की रिपोर्ट।